1000 years later. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे किचन में। तो आज हम बनाएंगे झारखंड के फेमस धुसका। तो उसके लिए हमने लिए हैं एक हिस्सा चावल, भिगो के रात में छोड़ दिए ओवर नाइट, आप देख सकते हैं ऐसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ मैं, और एक हिस्सा ली हूँ चना दाल और एक हिस्सा ली हूँ उड़द दाल। और उड़द दाल हमने छिड़के वाले लिए थे, तो आप देख सकते हैं इसे अच्छे से धो के छिड़के हुए डाल लिए हैं, और छिड़के वाले लेंगे तो धुसके बहुत अच्छा लगते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पूरे को, और आज हम बनाएंगे मसाला धुसका फेमस वाली, झारखंड में अक्सर बहुत ज़्यादा बनाते हैं धुसके। तो सुबह के नाश्ते में मैं बनाने जाने जा रही हूँ, झटपट बन जाएंगे फेमस झारखंड फेमस धुसका, आप देख सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और इसे जार में डाल के पीस लेंगे, स्मूथली पेस्ट बना लेंगे हम। तो देख सकते हैं गाइस, हमने जार में ले लिए हैं। तो थोड़ी एक कटी हुई छोटी सी प्याज कटिंग कर ली हूँ मैं, थोड़ी सी लहसुन पीने ले ली हूँ मैं, मसाला धुस के बना रही हूँ, देख सकते हैं मसाले वाली। थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च, और थोड़ी सी डालेंगे जीरा, इससे ज़्यादा अच्छे से फ्लेवर आते हैं। और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे स्मूथली। मसाला धुसके बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप एक बार बना के देखिए इसको सुबह के नाश्ते में, झटपट बन जाएंगे और जल्दी इजी है एकदम। थोड़ी सी इसमें पानी ऐड करेंगे हम, ऐसे जाकर ढक्कन लगा के इसे पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, इस तरह हमने स्मूथली पेस्ट बना लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, कलर भी हमारा आया है एक ही बार में, पूरा हल्दी उल्दी पूरे मसाले वाले हमारे धुसके हैं, आप देख सकते हैं जो झारखंड में बहुत फेमस है मसाले धुसके। तो मैं उसी को बनाने जा रही हूँ सुबह के नाश्ते में, तो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में ली हुई गाइस, आप देख सकते हैं गाइस हमने अच्छे से बटर तैयार कर चुकी हूँ मैं, और क्रश करके हम डालेंगे मसाला धुसके में जीरा, खड़ा जीरा, और थोड़ी सी ऐड करेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर लगभग हमारा बैटर आधा के जी है हमारा, देख सकते हैं आप, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे फुलाने की ज़रूरत नहीं है, इसे मिक्स कर लेंगे और डायरेक्ट हम बनाना स्टार्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, तो ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और इसमें हम डालना स्टार्ट कर देंगे इस तरह का, जितना हमारा एक पैन में जाएगा उतना हम डाल लेंगे, अपने हिसाब से बना सकते हैं आप छोटा बड़ा। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरह का हमारे फूले फूले बन रहे हैं मसाले धुसके, आप देख सकते हैं इस तरह का, और कद्दू से इस तरह का आप ऊपर तेल करते जाइएगा ताकि अच्छे से पके और फूले ऊपर भी, आप देख सकते हैं। तो इसे हम एक तरफ सेक चुका है, एक तरफ दूसरे तरफ से हम पलट लेंगे इस तरह का पूरे को, अच्छे से सीख जाएगा तो इस तरफ से भी, तो पूरे को हम निकाल लेंगे। ऐसे अपने आप ही कितने अच्छे से हमारे मसाले धुसके अच्छे से फूले फूले बन रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह का। इसमें कुछ भी डाले हैं हम, बेकिंग सोडा भी नहीं डाले हैं हम, तो देख सकते हैं इस तरह का मैं तुम्हें तरफ से सेक चुका है, और इसे हम निकाल लेते हैं, गाइस इसे हम निकाल लेंगे इस तरह का पूरे को, देख सकते हैं इस तरह का हमें गोल्डन करना है, ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना है, अच्छे से बच्चों से सेकना है, बहुत अच्छा बन रहे हैं। तो पूरे को इसी तरह करके हम पूरे को बना लेंगे, दूसरा बाइट हम डालेंगे इसमें। तो देख सकते हैं गाइस, हमने पूरे मसाला धुसके को बना लिए हैं इस तरह का पूरे अच्छे से, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ऊपर से, और अंदर से पूरा सॉफ्ट है, और हम टमाटर के चटनी के साथ बनाए हैं, आप ग्रीन चटनी के भी साथ खा सकते हैं नाश्ते में सवेरे, और बच्चे के सॉस में भी दे सकते हैं, चाव से खाएंगे बच्चे लोग, बहुत टेस्टी है। और अपने हिसाब से चटपटे भी बनाए हैं मसाले धुसके, आप देख सकते हैं इस तरह का बिल्कुल ढाबे की तरह जो सुबह सुबह नाश्ते मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हमने झारखंड की फेमस
घुल के मसाले वाले हम बनाए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह का। हमें तोड़ के दिखाते हैं कि किस तरह का हमारा किचबिन है। तो इस तरह का देख सकते हैं कितने अच्छे से फूले फूले बने हैं, आप देख सकते हैं अंदर कितने अच्छे से जाली जाली बने हैं हमारा, कितने अच्छे से फूले हैं और बहुत सॉफ्ट है ऊपर से, बहुत क्रिस्पी है और ऊपर नीचे से बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं इस तरह का हमारे पूरे अच्छे से धुलते हैं। देखिए देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा, कितने अच्छे से फूले हैं ये देखिए। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है गाइस तो लाइक कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।